हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप बहुत बढ़िया से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए हिंदी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम कुछ नया देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी, या ऑप्शन डी एक और दो दोनों, मतलब ए और बी दोनों। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, मनोरंजन करवाना, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, या ऑप्शन डी एक और तीन दोनों। सो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक और तीन दोनों। शो आंसर यहाँ पर भी देख लीजिए कि ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है त्रिभाषा, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, विदेशी भाषा में परिचित कराना, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है, भाषा दक्षता मतलब लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज में पारंगत होना, भाषा में पारंगत होना इसका प्रारंभिक कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा दक्षता में मतलब भाषा दक्षता का जो सबसे पहला कौशल है, जो स्किल है, वो है सुनना। यहाँ पर भी देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, या सुनना कौशल भाषा का कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। सो ऑप्शन नंबर ए, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि सुनना जो कौशल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है, वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, या फिर श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह अपनी कक्षा में बच्चों को श्रुतलेख लिखवाता है, लिखवाता है मतलब बोल कर लिखवाता है, तो श्रवण और लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है, व्याकरण के जो नियम होते हैं उनको कंठस्थ नहीं करवाया जाता है, पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, या सूत्र विधि में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आगमन विधि में नहीं करवाया जाता है। यहाँ पर भी देख लेते हैं आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मौन वाचन से क्या लाभ है, मौन वाचन जो होता है साइलेंट रीडिंग से क्या लाभ है, ज्ञान की वृद्धि है, अवकाश के समय का सदुपयोग है, खरीदी गई किताब का सदुपयोग है, या शारीरिक वृद्धि है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ज्ञान की वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान की वृद्धि जो है वो मौन वाचन का एक लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे ज्ञान की वृद्धि होगी मतलब, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, यह सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। सो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ
अंत्य संबंधित होते हैं। शो आंसर में भी आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पठन कौशल से अभिप्राय है पठन कौशल रीडिंग स्किल्स, लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना या पढ़कर समझना। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पढ़कर समझना, ये पठन कौशल का अभिप्राय है। सो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक कौशल का उद्देश्य है, मौखिक कौशल का उद्देश्य है उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्द बोलना, मतलब शब्दांश बोलना, बोल बोल कर लिख सकना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। सो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मौखिक कौशल का जो उद्देश्य है वो उचित गति एवं लय से आत्माभिव्यक्ति करना या आत्माभिव्यक्ति करना। नेक्स्ट है भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए, भाषा की जो शिक्षिका है, भाषा जो पढ़ा रही है उन जो शिक्षिका है विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती हैं, वह प्रयोग करती हैं किसका, प्रयोग विधि का या व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, खेल विधि का या फिर पुस्तक विधि का। तो वर्ग पहेली के माध्यम से कर रही है तो किस विधि का कर रही है, ऑप्शन नंबर सी खेल विधि का प्रयोग कर रही हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन सी खेल विधि का वह प्रयोग कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है क्या है, सुंदर लिखावट, आलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य या फिर मौलिक विचार। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी मौलिक विचार, बच्चों की सशक्त लेखन की क्षमताया का या क्षमता का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनना कौशल में शामिल है, सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति करना, रिवाइज रिवीजन करना, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया देना, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास या शांतिपूर्वक सुनना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है, मौखिक अभिव्यक्ति मतलब अपने ओरली कुछ कहना, अभिव्यक्त करना, प्रश्नोत्तर विधि, अवसरानुकूलता, एक और दो दोनों मतलब ए और बी दोनों या फिर अनुलेख। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक और दो दोनों मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों ही ज़रूरी हैं और उसे प्रभावी बनाने में सहायक हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिका कक्षा आठ की भाषा की अध्यापिका है, मोहिका कक्षा आठ की भाषा की जो है वो अध्यापिका है, वे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है, उसका क्या उद्देश्य है मतलब उसका उद्देश्य क्या है, व्याकरण को रुचिकर बनाना चाहती है, व्याकरण के व्यावहारिक प्रयोग पर बल देना, एक और दो दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मोहिका कक्षा आठ की भाषा की अध्यापिका है, वे व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती हैं, उसका उद्देश्य है व्याकरण को रुचिकर बनाना है, व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना है, एक और दो दोनों हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों ही इसके लिए ज़रूरी है, इसका उद्देश्य है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से अलग हैं, सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती या एक दूसरे से संबद्ध हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी कि एक दूसरे से संबद्ध हैं मतलब जुड़ी हुई हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंत्य संबंधित नहीं है या सभी भाषाई कौशल अंत्य संबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी भाषाई कौशल अंत्य संबंधित
होते हैं। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है। लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में या पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम किस में है? पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। सो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरेश ड के साथ ड के स्थान पर रा उच्चारित करता है। किसी किसी बच्चों की आदत होती है जो ड नहीं बोल पाते प्रॉपरली, रा ज़्यादा उच्चारित करते हैं। यह उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा या भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है या काव्य व्याख्या का एकमात्र रास्ता है, सॉल्यूशन है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण है विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, शब्दों के मूल भाव को समझना या अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रत्यक्षीकरण के अर्जित ज्ञान को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही है। नेक्स्ट है, भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। भाषा की जो अध्यापिका है, लैंग्वेज टीचर, उनके द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए या उपयुक्त सभी। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों ही ऑप्शन इसके लिए सही है, जो भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पहले बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। सो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना या कहानी का अंत बदलवा देना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, मतलब हम बच्चों को पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के कौशल हैं लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण करना मतलब याद करना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या फिर ऑप्शन नंबर सी बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, या ऑप्शन नंबर डी पढ़ना, लिखना, सुनना और समझना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भाषा के सबसे पहले कौशल क्या हैं, सबसे मुख्य कौशल क्या हैं, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और सबसे बाद में LSRW, ये इसका सूत्र होता है। LSRW मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पठन का प्रकार है। पठन मतलब रीडिंग करने का, ध्यानमग्न पठन, एकाग्रचित्त पठन, द्रुत पठन या अर्थग्रहण पठन। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, द्रुत पठन। आप यहां देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रुत पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए
मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती। भाषा शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जो मातृभाषा को माध्यम ना बनाए और दूसरी भाषा को सिखाने पर ज़्यादा बल दे रही है बिना मातृभाषा के? द्विभाषी विधि है, अनुवाद विधि है, व्याकरण एवं अनुवाद विधि है, या प्रत्यक्ष विधि है? सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है प्रत्यक्ष विधि, मतलब डायरेक्टली सिखाया जा रहा है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा आकलन की प्रक्रिया है। भाषा के आकलन करने की, वैल्यूशन करने की प्रक्रिया है, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है या केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है? सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत ना हो, मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जो लयात्मक और गायात्मक हो, मतलब जिन्हें लय के साथ सुनाया जाए, गाया जाए, और उपरोक्त सभी। सो प्राथमिक स्तर के बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कोई सीख देती हो। बच्चे क्या पसंद करते हैं कि जो कोई उन्हें शिक्षा दे रहे हो, शिक्षा मिल रही हो, तो बच्चों को ऐसी कविताएं पसंद आती हैं। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित विधि है। एक वैज्ञानिक रही है, मतलब विद्वान रही है, इन्होंने एक विधि का प्रतिपादन किया है, तो वो इनमें से क्या है देखते हैं। वाक्य विधि है, संपर्क विधि है, कहानी विधि है, या अनुकरण विधि है? सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब संपर्क विधि है। कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर बी, संपर्क विधि। तो ये थी हमारी 30 प्रश्नों की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।